साथियों, कन्नड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जिया है। उसकी प्रेरणा उन्हें कर्नाटका की धरती से ही मिलती है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की रचना नाड़ा गीते हम अभी सभी ने उसको सुना और पूज्य स्वामी जी ने जो उसकी व्याख्या की, कितने अद्भुत बोल है। जय भारत जननी या तनु जाते, जय है कर्नाटका माते। कितनी आत्मीयता से उन्होंने कर्नाटका माते की स्तुति की है। इसी में उन्होंने कहा है कि वो भारत माता की तनु जाते हैं। इस गीत में भारत भर की सभ्यता का भी वर्णन है और कर्नाटका के महत्व और भूमिका का भी जिक्र है। जब हम इस गीत के भाव को समझ लेते हैं तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी समझ जाते हैं। साथियों, आज जब भारत G20 जैसे बड़े वैश्विक समूह की अध्यक्षता कर रहा है तो लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारे आदर्श हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनुभव मंटपा के जरिए भगवान बसवेश्वरा के वचन, उनके लोकतांत्रिक उपदेश भारत के लिए एक प्रकाश की तरह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वरा की मूर्ति के लोकार्पण का, हमारे इस गौरव के विस्तार का मौका मिला। साथ ही अलग अलग भाषाओं में उनके वचनों को रिलीज करने का मुझे अवसर भी मिला। ये उपलब्धियां इस बात का सबूत है कि कर्नाटका की विचार परंपरा भी अमर है, उसका प्रभाव भी अमर है।